प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जवाब देते हुए चुनावी राज्यों को लेकर भी दांव चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस की सरकारों पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा दिया और आरोप ये भी लगाया कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने कैसे अप्रवासी भारतीयों को घर लौटने के लिए फ्री में टिकट बांटे, जिससे कोरोना जबरदस्त फैल गया। कोरोना के समय अलग अलग वेरियंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट, और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान के की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया हमारे देश के उद्यमी, एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के जरिए सिर्फ राहुल गांधी को ही जवाब नहीं दिया। लोकसभा में अपने भाषण से विरोधियों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों को टारगेट भी किया। कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उसे सोच में पड़ गया है। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कोरोना की पहली लहर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति करने से नहीं चूके और प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए उकसाया। सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। पहली लहर में जब सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब प्रवासी मजदूरों की इस पीड़ा को लोगों ने अपने घरों में बैठकर महसूस किया था। करोड़ों लोग भूखे प्यासे भटकते हुए अपने घर पहुंचे थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी और बिहार के मजदूरों की थी, जिनके साथ हुए इस बुरे सलूक के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों में आज भी टकराव होता है। आप अपनी जवाबदेही कब देंगे? आप कांग्रेस को बार बार कोसें, आप विपक्ष को कोसें, चलिए होता है, राजनीति में होता है, पर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हैं। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटायर कंट्री। आप विपक्ष के लिए भाषण में इतना समय व्यर्थ करेंगे तो जनता का जवाब कब देंगे? कुछ सोचे बगैर, उनको कोई सहारा सपोर्ट दिए बगैर आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया, और आज आप इनको देखिए कि बिना कोई शर्म नहीं है आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद की, क्योंकि मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। आपने आज हमारी एक तरह से तारीफ की है, हाँ हमने मदद की मजदूरों की, हमें गर्व है इस बात पर कि हमने मजदूरों की मदद की है। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने मजदूरों को ऐसे सड़क पर छोड़ दिया। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।